एसजेक्स निफ्टी अभी भी ऊपर है, इसका मतलब यह है कि आपको ओपनिंग थोड़ी सी ठीक मिलने वाली है, लेकिन उसके बाद बाजार के अपने आपको रेंज में देखेगा। हाँ, हो सकता है रेंज में ही देखें, क्योंकि अब तक के डाटा आप टेक्निकली देखें या फिर डेरिवेटिव्स देखें, दोनों के हिसाब से शायद 8840-50 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है, सपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है उस 8780 का जो रेंज आज हमने आपको सुबह ही बताई। लेकिन इस बीच कुछ कल शेयर्स चल रहे थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे, बंद भी हुए। उसमें एक एक्साइड का शेयर था, कल करीब 4% ऊपर जाके बंद हुआ। सुबह एक बार इसका डाटा देखेंगे आप, आपका एक्साइड कितना ठीक लग रहा है। ये आज और भी चलने वाला शेयर है, क्योंकि कल जिस तरह की क्लोजिंग और जिस तरह का डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा था कि शायद एक जल्दी से थमने वाला शेयर नहीं दिख रहा है ये। यस डिम्बी, आई थिंक इसमें डेफिनेटली मोमेंटम अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और मेरा मानना है कि शायद अगर आज की एक बेट करने के तो शायद एक एक्साइड पे कर सकते हैं, लेकिन नियर टर्म स्टॉप लॉस जो है, ओवरऑल हमने बात की मुनाफा वसूली आ सकती है बाजार में, उसको ध्यान में रखते हुए शायद एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा। आई थिंक 208 सही स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आई थिंक इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, 225-230 तक जाने की पूरी संभावना है।